देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। कांग्रेस और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अशोक लाट में कैंडल मार्च निकाला। बांदा जनपद में आज कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कैंडल मार्च निकालते हुए उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोशित नजर आए। कांग्रेस और सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में हो रही महिलाओं के साथ दुर्घटनाओं को लेकर के नाराजगी जताई है और साथ ही हाथरस में दुष्कर्म के बाद युवती की जवान काटकर निर्दयता की घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मृतक रेप पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बांदा में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकालते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिलाओं की असुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई, जिसमें हवस के भूखे भेड़ियों ने लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और दुष्कर्म के बाद लड़की की मुंह की जवान जीभ काट दी, जिसके बाद इलाज के दौरान रेप पीड़िता की मौत हो गई। दुखद घटना के बाद आज कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए रेप पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। प्रदेश सरकार को घेरते हुए बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग शहर में पैदल मार्च निकालते हुए शहर के अशोक लाट चौराहे में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है और मृतक रेप पीड़िता के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। यति बांदा से विष्णु सिंह की खास रिपोर्ट। इस तरह का कैंडल मार्च था, क्या था आप लोगों को आज कैंडल मार्च? क्या आज हम लोग ने कैंडल जला के जो मनीषा बाली की थी उसकी आज स्वर्गवास हो गया, उसको हम लोग ने कैंडल जला के आज हम लोग ने श्रद्धांजलि दी है और प्रदेश सरकार को आज हम लोगों ने ललकारा है कि अगर आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दें। और हम लोगों की एक मांग ये है कि उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दें, मनीषा के परिवार को, और जल्द से जल्द इस अपराधी का खुलासा करें और उसको सजा दें अगर वो महिलाओं की सरकार है, क्योंकि इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है और बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, लेकिन आज तक एक भी बार इनकी सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं बेटी सुरक्षित बची हो। अगर वो उसका रेप होता है, रेप के बाद उसकी किसी ना किसी तरह हत्या कर दी जाती है, इस बार तो इतनी ज़्यादा दरिंदगी हुई है कि उस लड़की के साथ पहले उसकी जबान काटी कि वो चिल्ला ना सके, फिर उसके साथ रेप किया, फिर उसको जंगल में गर्दन मरोड़ के उसको जंगल में फेंक दिया मरने के लिए। तो ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी घटना है, हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब हम लोगों को ये डरने लगने लगा कि हमारी घर से हम लोग भी घर से बाहर निकलते हैं तो ये लगता है कि घर हम लोग सुरक्षित पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। ये सरकार बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी हो गई। अगर वो महिलाओं को वाकई न्याय दिलाना चाहती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में खर्च किया है, तो इस बार एक बार हम लोगों की ये मांग है कि उस अपराधी को खुले चौराहे में फांसी की सजा दे ताकि किसी की दोबारा अपराध इस तरह की अपराध करने की हिम्मत ना पड़ पाए। मैडम, मैं महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ, उर्मिला वर्मा। अच्छा उर्मिला जी, किस तरह की कैंडल मार्च है, क्या मामला? ये कैंडल मार्च आज जो हाथरस में जिस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो किया गया है और उसका निधन हो गया है, हम उसके में शोक सभा और कैंडल मार्च निकाला है। और मैं इस कैंडल मार्च के माध्यम से मोदी और योगी जी को संदेश देना चाहती हूँ कि आपने सत्ता में आने से पहले आज वो आपका नारा पूरी तरह से झूठा और क्या कहते हैं साबित हो रहा है। आज जगह जगह बेटियों के साथ बलात्कार उत्पीड़न हो रहा है। अगर ये उत्पीड़न और बलात्कार नहीं रुका तो हम महिला सभा रोडों पर उतर कर और महिलाओं के लिए संघर्ष करेंगे और उस बेटी को, उस बेटी के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और आर्थिक कम से कम 50 लाख की मदद दी जाए। और क्या कहते हैं, जिस तरह से इन्होंने बम्बई में कंगना रनौत को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई है, आज उस कंगना रनौत को नहीं जरूरत थी, आज इस बेटी को जरूरत है। अगर कहीं पर थोड़ा भी मोदी और योगी में
नागरिकता है तो तुरंत उस बेटी को न्याय दिलाए और क्या कहते हैं बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए और सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? रुखसाना हाशमी। अच्छा रुखसाना जी, किस बात को लेकर कैंडल मार्च कर रही हैं, क्या मामला? कैंडल मार्च हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि महिलाओं के साथ में अन्याय और बलात्कार लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाल के ये संदेश दिया है कि ये सरकार जो महिला विरोधी काम कर रही है इससे महिलाएं जागरूक हों और महिलाओं को समझ में आए कि ये सरकार निरंतर महिलाओं के विरोध में काम कर रही है। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम क्या कहने चाहेंगे, लगातार घटनाएं हो रही है। मोदी जी तो हमेशा से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। मोदी जी तो जब से शासन सत्ता में बैठे वो तो लगातार झूठ ही बोल रहे हैं। आप एक चीज बताइए, एक वादे उनका बताइए कि अगर सही हो, अगर उन्होंने कोई अपने वादे पे, चाहे वो चाहे आपने शुरू में देखा होगा उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालूंगा, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा। इसके बाद में जो महिलाओं को 500-500 रुपए मिलते थे उनको उनके परिवार के जीव का पालन के लिए उसको भी बंद कर दिया। 3 महीने महिलाओं को लगातार लॉलीपॉप दिया, 3 महीने महिलाओं को सिलेंडर दिया, इसके बाद में वो भी बंद कर दिया। क्या मोदी जी की बात आप कहते हैं? मोदी जी ने तो निरंतर झूठ बोलने का ही पब्लिक के साथ काम किया है, जनता के साथ। कैंडल मार्च था क्या है? आज जैसा आपको मालूम है, इस समय पूरे भारतवर्ष और खासकर उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारी बहु बेटियों की जो है इज्जत सुरक्षित नहीं। ये आपको मालूम है कि 14 सितंबर के दिन दलित की बेटी 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार कर दी, उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी जवान काट दी, इस भीड़ की हड्डी तोड़ दी। वो अस्पताल में मौत से जूझ रही थी, आज उसका स्वर्गवास हो गया, बेचारी हार गई। और तो हम लोगों की ये मांग है कांग्रेस जनों की, आज उसी के लिए हम लोग आए थे, 2 मिनट का शांति रख करके यहाँ पर कैंडल जलाया है और उसकी ईश्वर आत्मा को शांति के लिए हम लोग यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण किया है। हमारी ये मांग है प्रदेश सरकार से कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और CBI जांच कराई जाए जिससे खुलासा हो सके कि उनको किसका संरक्षण प्राप्त है अपराधियों।